अरे दोस्तों नमस्कार। आज का जो महत्वपूर्ण दिन है वह है 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का जन्मदिन। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विषय और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय तो है ही, साथ ही साथ आज के दिन ड्राई डे भी कहा जाता है, अर्थात आज के दिन कई नकारात्मक गतिविधियों पे सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। तो बहरहाल जो व्यक्ति आज के दिन जो जन्म लेते हैं, अर्थात 2 अक्टूबर को लेते हैं, तो उन्हें भी जीवन में कई बार इस प्रकार की स्थितियों का, अर्थात जीवन में रुकावट का उन्हें सामना करना पड़ता है। कदम कदम पे कुछ ना कुछ रुकावट उन्हें अपने जीवन में मिलती है। और यदि आप 2 अक्टूबर वाले हैं तो हो सकता है कि इस साल का जो शुरुआत है काफ़ी अच्छी रही होगी, बीच में संघर्ष, और अब जो साल का जो अंतिम समय है वो ऐसा लग रहा है कि इस बार आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने को है, अर्थात कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ों को छूटेंगी और कुछ नई चीज़ें आएंगी, कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। और यदि आप जीवन में ऐसी स्थितियों से आप जूझ रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत अधिक और आपके पास रिजल्ट आउटपुट कम आ रहे हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928। आज का दिन संघर्ष भरा, तेज गति से काम करना चाह रहा लेकिन काम होने में थोड़े से संदेह की स्थितियां बनती हुई, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/1920 है। आज के दिन थोड़ी क्वेरल या तनाव की स्थितियां हो सकती है, लेकिन तनाव से धीरे धीरे करके आप निकल जाएंगे, या कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3/12/1921 है। आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र पर संतुलन बनाता हुआ और कितना लेना है कितना देना है इसके ऊपर विचार विमर्श और एक संतुलन की स्थिति अंक 3 के लिए आज के दिन बनती हुई और चीज़ों को अनुकूलता की ओर लेके जाता हुआ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4/13/2231 है। आज के दिन हो सकता है कि थोड़े से तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, कुछ क्वेरल की स्थिति का आपको सामने, लड़ाई झगड़े का आपको करना पड़ सकता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 उसके लिए यात्रा और परिवर्तन का तो है ही समय, साथ ही साथ कुछ मानसिक अशांति और हृदय विदारक समाचार आज के दिन आपको मिल सकते हैं, यात्रा के संकेत और साथ ही साथ कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां भी आपके मन के भीतर आज के दिन बन सकती है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 आज के दिन आपके काम में रुकावट के संकेत, अर्थात कार्य आपके फंसे हुए होंगे, पूरे क्लियर होते हैं आज के दिन आपके कार्य दिखते नहीं, कहीं कुछ रुकावट में फंसा हुआ अंक 6 अभी, या कहीं पे आपके ऊपर आरोप भी लग सकता है, तो टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बच के चलें। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 यात्रा के संकेत, महिला के साथ कहीं दूर जा सकता है, चाहे यह महिला उसके परिवार की भी हो सकती है, अंधे भी हो सकती है, लेकिन अंक 7 के लिए अभी कुछ समय जो है ऐसा है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 है उनके लिए जो आज का दिन है शुभ है, लाभ की स्थितियाँ उन्हें मिलती हुई बनती हुई, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 है अपने थोड़े से गुरु से परामर्श करें और फिर अपने कार्य को करें तो उसके कार्य सफल होंगे। तो दोस्तों ये हुई चर्चा अंक 1 से लेकर 9 तक की और आज के दिन की 2 अक्टूबर की। आपको आपके भविष्य से जुड़ी अन्य जानकारी अच्छी होता है आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7415114000 पर। और प्यारे मित्रों, आज के दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी है, तो आज के दिन यदि आप गाय को भोजन कराते हैं या फिर अन्न को उबाल के गौ माता को खिलाते हैं या काली गाय मिलती है उसकी आप परिक्रमा करते हैं तो भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक हो सकता है। एक दीपक जो है आज के दिन आप अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में जला सकते हैं, और साथ ही साथ जो दीपक हों तिल के तेल के हों, और साथ ही साथ 2 दीपक अपने मुख्य द्वार पर भी आप अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। आज के दिन आप अन्नदान कर सकते हैं, छोटा मोटा भंडारा कर सकते हैं लोगों को, थोड़ा सा जितना ज़्यादा आप अन्नदान करेंगे, जितना ज़्यादा दीप दान आप करेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे भी आप जाएं तो अपने पितरों के निमित्त आज के दिन 51 या 51 दीपक का दान जो है तिल के तेल का आज के दिन आप जला के प्रज्वलित कर सकते हैं, और वृक्ष देव से, पीपल देव से, भगवान विष्णु से, नारायण से आप अपने पितरों की सुख शांति और शक्तिवर्धन की कामना कर सकते हैं। तो दोस्तों छोटे से उपाय हैं आज के दिन, इसी इस अमावस को जो कि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है, आप करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद।